पहलवान सुशील कुमार केवल विवादों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दोस्ती के लिए भी जाने जाते हैं। वैसे तो इनकी दोस्तों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इनके खास दोस्त एक ऐसे हैं जिनसे अब सुशील कुमार की बातचीत नहीं है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता काफी गहरा है। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार के गोल्ड मेडलिस्ट दोस्त योगेश्वर दत्त की। बताना चाहेंगे पहलवान सुशील कुमार और पहलवान योगेश्वर दत्त का काफी गहरा नाता है। 10 साल की उम्र में दोनों अखाड़े में मिले थे, तब से साथ खेलते खेलते इतने साल कब बीत गए इन्हें पता नहीं चला। इनकी दोस्ती ऐसी कि दंगल के दौरान इन्होंने साथ में लंगोट तक बदली है। कोई इन्हें जय वीरू कहता तो कोई इनकी दोस्ती की मिसाल देता नजर आता। दिन में 8 घंटे दोनों साथ में वक्त बिताते। मैदान पर भारत के लिए खेलने वाले ये दोनों पहलवान असल जिंदगी में एक दूसरे के सबसे जिगरी दोस्त और सबसे बड़े आलोचक रहे। एक लंदन ओलंपिक में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपकी दोस्ती को कितने साल हो गए हैं, तो सुशील कुमार ने बताया कि 10 साल की उम्र से ही हम दोस्त हैं। हमें नहीं पता कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी कब हुई, इतने समय से हम साथ हैं, सच में हमें बिल्कुल याद नहीं। हम बेहद छोटे छोटे बच्चे थे, हम भाई तो नहीं मगर सही मायनों में एक दूसरे के सगे भाइयों से कम भी नहीं। एक दूसरे की कामयाबी और नाकामियों को हमने एक साथ देखा है और उनसे पार पाया है। हम जय और वीरू से भी ज्यादा गहरे दोस्त हैं। बताना चाहेंगे योगेश्वर दत्त ने 10 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम में महाबली सतपाल से ट्रेनिंग लेना शुरू की थी। वहीं पर उनकी दोस्ती सुशील कुमार से हुई क्योंकि सुशील कुमार भी महाबली सतपाल से ही ट्रेनिंग लिया करते थे। वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अभ्यास के दौरान कई अवसरों पर योगी व सुशील की कुश्ती हुई। दोनों एक साथ खाना खाते और बाद में एक ही रूम शेयर करते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले में दोनों के बीच खूब बात होती। इसमें विपक्षी पहलवान के वार पर तोड़ निकालने के लिए दोनों अपने अपने टिप्स साझा करते। बताना चाहेंगे दोनों हमेशा से अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते। योगेश्वर दत्त भी दिल से बेहद नरम थे, वे दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते थे। अपने सबसे करीबी दोस्त सुशील और बजरंग के लिए वे हमेशा से ही तैयार रहते। पहलवानी का अखाड़ा हो या फुर्सत के पल, वो हमेशा अपने दोस्तों के करीब रहते। उनके नाम और कामयाबी के पीछे भी वो अपने दोस्त और परिवार को ही सबसे खास मानते हैं। बताना चाहेंगे लेकिन इनकी दोस्ती को भी किसी की नजर लग गई। दोनों में एक ऐसा विवाद हुआ जिसके बाद दोनों ने कभी एक दूसरे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बताना चाहेंगे इन्होंने लंदन ओलंपिक में सुशील के साथ देश के लिए कांस्य पदक जीता था। योगेश्वर दत्त छत्रसाल स्टेडियम में ही ट्रेनिंग किया करते थे। सुशील से हुए विवाद के चलते लंदन ओलंपिक के बाद उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया था। योगेश्वर ही नहीं बल्कि इनके अलावा अन्य पहलवानों जितेंद्र कुमार और परवीन ने भी छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ दिया। इसके अलावा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने भी सुशील से विवाद के चलते छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ दिया। जिस दोस्त की कभी लोग मिसालें दिया नहीं थकते थे, वही दोस्त अब सुशील की बात करना भी पसंद नहीं करते हैं।